90 निकायों को लेकर सुबह से मतदान चल रहा है। खासतौर से 90 निकायों में पार्टियों का फोकस है और ये वजह है कि भाजपा मुख्यालय से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तमाम निकायों के अंदर फोन कॉल के आधार पर ये टीम पूछ रही है कि वहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वोटिंग परसेंटेज से लेकर वहां की शिकायतों के ऊपर भी यहां पर सीधा संवाद यहां से किया जा रहा है। भाजपा मुख्यालय में ये टीम यहां से बैठी है, सुबह से ही लगातार मॉनिटरिंग के तहत ये टीम जो है काम यहां पर कर रही है। वहां से फोन कॉल से जानकारी ले रही है या फिर संबंधित निकाय में जो नंबर वहां पर दिए हुए, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी आती है उसका भी समाधान यहां से किया जा रहा है। हुसैन खान साहब से बात करेंगे। खान साहब, अब तक कितनी शिकायतें आ गई आपके पास में? हमारे पास करीब 10-15 शिकायतें आई है, जहां पर कुछ जगह पर बूथ को अवरुद्ध किया गया। हमने प्रशासन से बात करवाई, हमारी जो लीगल टीम है उससे, और अभी व्यवस्थाएं ठीक हो रही है वहां पर, और लगातार हमारी टीम सभी जगहों पर बात करती है कि कहीं भी अगर कोई बूथ कैप्चरिंग या कोई अन्य समस्याएं या लीगल कोई समस्याएं हैं तो आप हमें बताएं, हम उनका सहयोग करते हैं। आपके पास किस तरह की शिकायतें यहां पर आई है, खासतौर से अगर आप देखें? मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, वोटिंग में रुकावट पैदा कर रहे हैं, इस तरह की गड़बड़ी आ रही है। आप संबंधित कहां वहां पदाधिकारी से बात करके समस्या का हल करवा दिया? प्रशासन से लीगल सेल को बताते हैं, लीगल सेल वाले हमारे जो हैं लीगल वो लोग संपर्क करते हैं, वो दूर करते हैं। बिल्कुल, तो प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के अंदर देखी जा सकती है। वोटिंग को लेकर रुझान किस तरह का है अभी तक आपने अगर अपडेट? वोटिंग परसेंट सही चल रही है, अच्छी चल रही है। मतदान प्रतिशत लगभग 30% से ऊपर हो चुका है अभी तक, लेकिन कई जगह ऐसी समस्याएं आ रही है, जैसे वोट डाल नहीं जा रहा, वहां कैप्चरिंग हो रही है, ऐसी समस्याएं उसमें आ रही है, तो उसको हम अपने जो सीनियर अधिकारी उनको बता रहे हैं और उसको अवगत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है वो सीनियर अधिकारी को बताया जा रहा है कि ताकि इसका सोल्यूशन वहां पर निकलवाया जा सके। अभी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, इस तरह की कोई शिकायत आपके जहां पर निकायों को? अभी बेसिकली शिकायत इसी बारे में आ रही है कि फर्जी वोटिंग चल रही है और कई लोगों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे, उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। खासतौर से मॉनिटरिंग के साथ साथ ये भी देख रही है कि अगर कहीं पर फर्जी वोटिंग हो रही, वहां की शिकायतें आ रही, तो वहां के पदाधिकारी को बताया जा रहा है ताकि मतदान भी हो सके और किसी तरह का फर्जी मतदान भी नहीं हो। सहयोगी महेश सिसोदिया के साथ अनिल सेन, जनटीवी जयपुर। सहयोगी अनिल सेन ने जायजा लिया बीजेपी मुख्यालय का। ओवरऑल राजस्थान में किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है इन 20 जिलों के 90 निकायों में? हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी अनिल सेन जुड़ चुके हैं। अनिल, कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, आपने देखा कि बीजेपी की जो मॉनिटरिंग टीम है वो लगातार वहां पर बातचीत कर रही है और जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान अपनी लीगल टीम के जरिए निकालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुख्यालय भी आप पहुंचे। ओवरऑल अगर हम आज की मतदान, अब तक की मतदान प्रक्रिया को देखें तो पिछले जो निकाय चुनाव हुए हैं उससे अगर हम इसकी तुलना करें, मौसम का, किसान आंदोलन का और दूसरे मुद्दों का, क्या मतदान प्रतिशत पर अब तक जो हुआ है मतदान कोई असर नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल प्रभात, तात्कालिक मुद्दे हैं तो जरूर कहा जा सकता है कि असर इनका जरूर पड़ेगा। किसान आंदोलन एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान में ग्रामीण तबके में हो या फिर शहरी तबके में हो, इसका मैसेज जरूर है। खासतौर से कल जिस तरह से हंगामा बढ़ता है, अब ऐसे किसानों के पक्ष में हो या फिर सरकार के पक्ष में हो, हम देखेंगे कि वोटर्स के जो मानसिकता है उस पर कहीं ना कहीं इसकी एक छाया है, वो यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। हाल ही की घटना है तो ऐसे में लगातार किसान आंदोलन चल भी रहा है, उसका नतीजे जो आएंगे निकाय चुनाव के वो कहीं ना कहीं इस पर प्रभावित भी यहाँ पर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पिछले अगर निकाय को देख लिया जाए, इस निकाय में भी बेहतर रिजल्ट कहा जा सकता है मतदान के प्रति। हमने सुबह से हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन बताएं कि स्थानीय जो मुद्दे हैं और उसके बाद जो तात्कालिक मुद्दे हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका असर जरूर इस पर पड़ा है। जी अनिल, अब तक कई जिलों के अंदर मतदान हो चुका है, मतदान हुआ उसके बाद जो है वो काउंटिंग हुई, लेकिन तमाम जो पार्टी को अगर देखा जाए, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों मुख्यालयों के अंदर मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई। मॉनिटरिंग मतलब अलग अलग 90 निकायों के अंदर टच में है वो मॉनिटरिंग सेल, अलग अलग जो पदाधिकारी है उनको जिलों और जिम्मेदारी वहां पर दी गई है, लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं, मतदान प्रतिशत का फीडबैक ले रहे हैं, अगर कहीं फर्जी मतदान हो रहा है तो उस फर्जी मतदान के बारे में जानकारी वहां पर ली जा रही है, बूथ कैप्चरिंग हो या पर हंगामा हो गया हो, इन तमाम चीजों की जो मॉनिटरिंग सेल है वो अधिकारियों और उनसे संबंधित जो सेल बनी हुई है उन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं क्योंकि लगातार जो चुनाव अक्सर देखा जा रहा है, विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद हमने देखा पंचायत चुनाव हुए थे, उससे बाद में 50 जो निकायों के चुनाव हुए थे, तो फीडबैक भी लिया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार
ट्रेंड किधर है और बूथ कैप्चर नहीं हो, फर्जी मतदान नहीं हो, इसको लेकर भी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को जो है मुस्तैद किया गया है। और खासतौर से हमने देखा, बीजेपी की ओर से भी हमने देखा कि जो आईटी सेल की टीम थी, सुबह 6 बजे से लगातार टीम लगी हुई है सोशल मीडिया पर, और ये मैसेज कहना कि आम लोगों के बीच में दे रही है नगर निकायों के अंदर कि वो जलपान बाद में करें, पहले मतदान के लोकतंत्र के पर्व में अपना मत जरूर डाल कर आए। ऐसे में अच्छा रुझान है लोगों के प्रति, लोग जो मतदान पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं उनका प्रतिशत भी अभी तक काफी सुखद कहा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर, और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।